गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और जितने जितने हम लोगों ने चैप्टर करा दिए उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों की स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको करा दिए थे और चैप्टर लगभग अपना कंप्लीट हो चुका था कम्प्लीटली। अब क्वेश्चन आंसर की बात है तो मैं उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस समस्या ये है कि आप लोग लर्न करिए, आप लोगों को जितना जल्दी देखो फायदा आपको दो होगा, होमवर्क भी आप लोग कर लीजिएगा और लर्न भी करिए दोनों ही। जब भी ऑफलाइन क्लासेज चालू होती हैं तो आप लोगों को एक फ़ायदा होगा कि देखो ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज चालू होगी तो आपको उस समय ये सब चैप्टर ऑलरेडी पहले से लर्न हो चुके होंगे तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और, मैंने जो चैप्टर नंबर 4 का आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर भेजा था, समझिएगा आप लोग, उस क्वेश्चन आंसर को मैंने बोला था आपको होमवर्क की साइंस की नोटबुक बनानी है और उसमें करना है, लेकिन कई बच्चों ने मुझे होमवर्क करके उसकी फ़ोटो खींच के भेज दिया था, कम से कम 30-40 फोटो भेज दिया एक साथ पिक लेके। ठीक है, तो आप लोगों को उसको व्हाट्सएप पर नहीं भेजना है, जब भी मैं कोई ऐसा होमवर्क या टेस्ट लेता हूँ तो उसको भेजना है आपको। इस होमवर्क को आप लोगों को अपनी साइंस की नोटबुक में ही करके रखना है, समझे मेरी बात बच्चों, आप लोगों को व्हाट्सएप पर नहीं भेजना। ये होमवर्क में आपको आने जब भी स्कूल ओपन होते हैं तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको दोबारा होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको दोबारा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को सिर्फ लर्निंग का काम रहेगा। समझ रहे मेरी बात स्टूडेंट्स, समझ गए? तो आगे से आप लोग जिन बच्चों ने मेरे को होमवर्क भेज दिया था व्हाट्सएप पे, वो लोग इस होमवर्क को ऐसे जो मैं आपको होमवर्क की नोटबुक के लिए बोलता हूँ उसको होमवर्क की नोटबुक में ही करना है। हाँ, मैं होमवर्क जब मंगवाता हूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको उस होमवर्क को अपने नोटबुक में करके और मेरे को भेजना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बात समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, चलो आओ, आज हम एक चैप्टर नया चालू कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और बहुत यूनिक चैप्टर है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है साउंड, चैप्टर नंबर है 13 और मैं पेज नंबर भी लिख देता हूँ, पेज नंबर है 226। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 13 चैप्टर क्यों चालू कर दिया, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं हालांकि और भी चैप्टर को पढ़ा सकता था लेकिन मेरे को एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाना था, इससे आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए और कुछ पढ़ने में अच्छा भी लगा। हालांकि अभी तक सभी चैप्टर चल रहे थे वो सभी अच्छे थे, समझ में अच्छा आ रहा होगा, लेकिन वो केमिस्ट्री का एक पार्ट था। ठीक है, अब मैं फिजिक्स का एक पार्ट साउंड चालू कर रहा हूँ तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो साउंड चालू करें। साउंड आखिरकार है क्या, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। साउंड मीन्स, यदि मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि। क्या ध्वनि? शांति से समझिएगा, आने वाली क्लास में जब जाओगे बड़ी क्लास में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साउंड मीन्स क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि क्या है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या अभी जो आप सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, ध्वनि तो सुन रहे हो, साउंड ही तो सुन रहे हो, मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच रही है, तुम्हारी आवाज़ मेरे तक आती थी, वो क्या है, साउंड ही है। हम लोग बोलते हैं, आप लोग बात करते हो आपस में तो आपकी आवाज़ आपके सामने वाले के पास और आपके सामने वाले आप जो भी कुछ बोल रहा है उसकी आवाज़ आप तक सुनाई देती है, ये सब क्या है, हमारे कानों में कोई आवाज़ सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि के बारे में ही, इस साउंड के बारे में ही हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार साउंड होता क्या है। अब साउंड के बारे में कई सारी बातें होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग खुले किसी सुनसान कमरे में, सुनसान समय मतलब किसी खुले कमरे में जहाँ पर सामान वगैरह कुछ भी नहीं, खाली कमरा है, उसमें बोलते तो हमारी आवाज़ गूंजती है, खेत या पहाड़ों पर चिल्लाते तो वहाँ पर भी आवाज़ गूंजती है, वहीं हम किसी भीड़भाड़ वाले इलाके से या बंद कमरे में बैठते हैं तो वहाँ पर आवाज़ नहीं गूंजती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो साउंड के कई सारी प्रॉपर्टीज है, आपको मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, आप लाइफ में कई जगह फिजिक्स का यूज आता है, वहाँ पर हम समझ नहीं पाते आखिरकार इनका इंपॉर्टेंसी क्या है और इस चैप्टर में हम उन्हीं इंपॉर्टेंसी को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, साउंड हर जगह काम आता है, पानी में, पानी में जब हम बोलते हैं तो कैसी आवाज़ निकलती है, कोई स्कूल की बेल या मंदिर की बेल बजती है तो आवाज़ उसकी दूर दूर तक क्यों जाती है, कई सारी चीज़ें हैं, कोई
व्हीकल वगैरह के अंदर हमने कांच वगैरह बंद कर रखे तब हम चिल्लाते हैं, हमारी आवाज़ बाहर तक नहीं आती, बाहर वाली की आवाज़ अंदर तक नहीं आती है। कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज़ इतनी दूर तक कैसे पहुंचती है, लड़कों की आवाज़ भारी क्यों होती है, लड़कियों की आवाज़ पतली, बॉयज़ की आवाज़ हैवी क्यों होती है और गर्ल्स की आवाज़ पतली क्यों होती है। इसके बाद मच्छर की आवाज़ पतली क्यों होती है, शेर जब लॉयन जब रोइनिंग करता है दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ भारी क्यों होती है। यहाँ पर हम कई सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। कभी हम चिल्लाते हैं तो ज़ोर से हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचती है, जब हम धीरे बोलते हैं तो हमारी आवाज़ पास में ही रह जाती है। एनीवन यहाँ पर हम कई सारी रीजन्स को जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ होती थी। समझ में मेरी बात? तो कई सारे राज पिक्चर की पर्दा उठेगा, समझिएगा। साउंड के बारे में चालू करते हैं। साउंड इज ए काइंड ऑफ सेंसेस रिसीव्ड बाई आवर ईयर्स एंड प्रिसीव्ड आवर ब्रेन। साउंड क्या है? किसी आदमी ने बोला, मेरी बात समझना, कोई बोल रहा है हमसे, हमारे कान में वो आवाज़ जाएंगे, हमारे ईयर्स में वो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करेगा, जाएगा और हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। कहाँ तक? मस्तिष्क में पहुंचने का वो काम करेगा, एनालिसिस करेगा। किसी ने मान लो आप रूम में बंद हो, आपके घर में कोई आवाज़ दे रहा है आपको, तो आप कैसे पहचान जाते हो? आपके कान में आवाज़ जाती है, मम्मी दे रहे हैं, पापा दे रहे हैं, कोई भाई बहन आपको आवाज़ दे रहा है, आप पहचान जाते हो कि फलाने ने मेरे को आवाज़ दिया है। कैसे पहचाने? वो आवाज़ आपके कानों तक गई, ब्रेन ने उसको एनालिसिस किया कि किसकी आवाज़ आ रही है और तब जाके हम उसको फाइनली उस आवाज़ को पहचानते हैं, हाँ ये फलाने की आवाज़ है। पहचानते या नहीं पहचानते? तो एक प्रोसेस है, एक जाल है जो हमारे ईयर से होता हुआ ब्रेन तक जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। उस ऊर्जा से हम उस हियर आवाज़ को सुनते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाई इन वाइब्रेटिंग मटेरियल बॉडी एंड इट्स फेल्ट, अंडरलाइन करना, फेल्ट बाई अस ओनली वेन यूज वाइब्रेटिंग रीच आवर ईयर। साउंड होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, कंपन करके वो साउंड, मैं यहाँ हूँ, मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही, कैसे गई? मैंने बोला, मेरी आवाज़ वाइब्रेट करती हुई सामने वाले के कानों तक पहुँचेगी, तब जाके उसको आवाज़ मेरी सुनाई देगी। द नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस डिपेंड ऑफ द नेचर ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जेक्ट जो बोल रहे हैं हम वो कितना वाइब्रेट कर रहा है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा, जब तक कंपन नहीं होगा, साउंड आगे जाके जनरेट नहीं होगा, साउंड आगे नहीं पहुंचेगा। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द बेसिक ऑफ फैंसनिंग एंड वर्ल्ड ऑफ साउंड। एवरी डे वी हियर साउंड प्रोड्यूस बाई लिविंग बींग एज वेल एज अ नॉन लिविंग। इस चैप्टर में हम इसी साउंड के बारे में पढ़ेंगे, साउंड लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब में से निकलता है। वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, आस पास कई सारी चीज़ों को देखते हैं। वी आल्सो बी हियर डिफरेंट साउंड्स, वी हियर बर्ड्स चार्पिंग, पीपल टॉकिंग, व्हीकल्स मूविंग एंड डॉग्स बार्किंग। पक्षियों के चहचाने की आवाज़, इंसान लोगों के बात करने की आवाज़, व्हीकल्स की आवाज़, इसके बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज़, कई सारी डिफरेंट आवाज़ हमें सुनाई देती है। वी ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ रेन, बरसात का भी, वर्षा, इसमें बरसात होती तो हमें आवाज़ आ जाती है ना, बाहर बरसात हो रही है, उसकी आवाज़ हमें आती है। लीव्स मूविंग इन द फ्री ब्रीज एंड द म्यूजिकल नोट्स ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट, पत्ते वगैरह हिलते पेड़ों में तो उसकी आवाज़ सुनाई देती। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस ढोलक, हारमोनियम, गिटार कोई बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, फ्लूट बजा रहा है, उसकी भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। तबला, सहनाई, सितार, फ्लूट, ईटीसी। हाउ आर दिस साउंड प्रोड्यूस, कैसे साउंड उत्पन्न हुआ इनमें से? चलो लिविंग हम लोग तो बोल रहे हैं, नॉन लिविंग में से कैसे साउंड आ रहा है? वो तो बोल भी नहीं सकते। Why are they different? अलग कैसे? In this chapter, we shall discuss questions such as how is sound produced, how we hear sounds, why are some sounds louder than some are shrill, what is a musical and noise, how is a noise pollution caused? इस chapter में हम कई सारे क्वेश्चनों के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से questions? Sound कैसे produce होता है, sound कैसे उत्पन्न होता है, हम आवाज़ क्यों सुनते हैं, लोगों की आवाज़ अलग अलग क्यों होती है, किसी की आवाज़ पतली, किसी की आवाज़ भारी, म्यूजिकल में संगीत और ध्वनि में क्या अंतर है, संगीत और शोर जो चिल्लाते हम लोग शोर कर रहे हैं, कहते हैं ना शोर मत करो, उसमें क्या अंतर है, और लास्ट क्वेश्चन नॉइस पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो फ्रेंड्स, तो आपको इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक आपको क्लियर करे जाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को समझ में भी अच्छा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरीके से चैप्टर को मन लगा के पढ़िएगा, आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा। और मैंने जो भी पिछले चैप्टर कुछ करा दिए होंगे क्वेश्चन आंसर को आप लोग लर्न करिए, और व्हाट्सएप पर होमवर्क मेरे को नहीं भेजना है, 20-20, 30-30 पेज होमवर्क आप लोग भेज रहे हो वो नहीं भेजना। जब भी आपको होमवर्क के लिए बोला जाएगा, आपको लिख उसमें लिख दिया जाएगा ग्रुप में कि इस पेज को होमवर्क पर राइट करके भेजना है। ठीक है, जो मैं होमवर्क के लिए वो साइंस की नोटबुक में ही करना है, ना कि व्हाट्सएप पर भेजना है मेरे को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है आज के लिए, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।